गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बेटा हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस टाइम 11.1। ये आपके डेसिमल चैप्टर का है। आपको आज हम देखेंगे पढ़ेंगे इसमें डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट टाइम वीडियो में फ्रैक्शन कंप्लीट किया है। आज का हमारा वीडियो है रिलेटेड टू डेसिमल। ओके, जिसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 5.5 दिया गया है, तो ये आपका 5.5 क्या है, ये डेसिमल के फॉर्म में दिया गया हुआ नंबर है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, वी रीड 5.5 एज, ठीक है, तो आप इसे कैसे पढ़, 5.5 डेसिमल 5 दिया गया, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 5.5, 35.42 ऐसे, 35.42 पढ़ेंगे इसे। ओके, आफ्टर डेसिमल, इफ़ देयर इज ऑनली अ ज़ीरो टू द लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट वी जनरली लीव इट। ओके, हम यहाँ पॉइंट से पहले जीरो जनरली लीव भी हटा भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। जैसे हम डायरेक्टली इसे रीड क्या करेंगे, 0.4। ओके, अगर जीरो हटाएंगे। सो प्रैक्टिस टाइम 11.1 ए, राइट द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज शेप्स एज फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पे देखिए कलर्ड पार्ट को शेप में दिए गए हैं, जिसमें जो कलर्ड पार्ट है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये कितने बॉक्स दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 के बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका शेडेड पार्ट कितना है बेटा, 4, कितना है, 4। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना बेटा, 4/10, 4/10। ओके, नेक्स्ट आपका ये 10, इसमें शेडेड पार्ट कितना है बेटा, 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3/10। ओके, नेक्स्ट 10 में आपके कितने पार्ट शेडेड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट शेडेड हैं, इसे पढ़ेंगे 6/10। नेक्स्ट 2/10, फिर आपका फिफ्थ दिया गया है, कितने पार्ट शेडेड है, इसमें 8 पार्ट शेडेड है, कितने पार्ट शेडेड हैं, 8, ये 10 है, 10 में 8 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8/10। 6 में अभी आपका कितना, 7/10। ओके, तो ये आपका 7/10 हो गया, ये आपका था फ्रैक्शन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट दीजिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर बी, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ दिस फिगर एज डेसिमल। आपको यहाँ पे शेडेड पार्ट जो दिए गए हैं उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। सो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 का है। आप ही जानते हैं 10 में आपका बिफोर वन डिजिट हम पॉइंट पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 पार्ट शेडेड हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.4, मतलब 4 से पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका 5 शेडेड पार्ट है, तो यहाँ पे 0.5। ओके, नेक्स्ट 0.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 शेडेड पार्ट है, 4 अनशेडेड है, सो 0.6 आप राइट करेंगे। एंड ये आपका 0.3 होगा। ओके, एंड नेक्स्ट ये आपका 9 पार्ट शेडेड है, तो 0.9 होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 1 पॉइंट, अगर 10th है आपका नंबर में डेसिमल किसमें, तो वैसे किया ये होता 9/10 है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में इसी टाइप से लिखेंगे, 0.9। ओके, और फ्रैक्शन फॉर्म में 9/10। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में। मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे करेंगे। आपको मालूम है 3/10 दिया है, तो 1 डिजिट है से पहले आपका डेसिमल लगेगा। ओके, सो यहाँ पे हम 0.3 लिखेंगे, 8/10 है तो 0.8, 4/10 है तो आपका 0.4, देन आपको यहाँ पे 33/10 है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम 3.3 लगाएंगे। ओके, क्योंकि एक जीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया है 642, तो यहाँ पे 64.2 लिखेंगे। ओके, इस टाइप से लिखेंगे। ओके बेटा, तो इसके रेस्ट क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 आप खुद से करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड। अब आपको जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको आपको वर्ड में लिखना है। अब आप वर्ड में कैसे लिखेंगे, वर्ड में आप लिखेंगे इसको बेटा 0.2। ओके, आपको ये दिया 0.3,
तो इस टाइप से आप पूरा इसको लिखेंगे। यहाँ पे आपका दिया है 15.7, तो यहाँ पे 15.7, 25.8, तो 25.8, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन को डी के सॉल्व करेंगे। आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस प्रैक्टिस टाइम 11.1 का लास्ट क्वेश्चन ई। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरस एंड सिंपल फ्रैक्शन। आपको न्यूमरल और सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ये 0.5, और अगर इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा आपका 5/10। ओके, तो इस टाइप से आपको 0.7, तो 0.7 डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 7/10। ओके, तो इस टाइप से आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं।